देखलो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से निवास प्रमाण पत्र से संबंधित है। ये न्यूज पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 3 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण, और फ्रंट पेज पे ये न्यूज देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया, बिहार के बाहर ब्याही बेटियों को भी आरक्षण। ये आरक्षण कैसे मिलेगा? तो पति नहीं पिता का पता बनेगा निवास प्रमाण का आधार, यानी जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उसका आधार जो बनेगा पिता का एड्रेस पे बनेगा। अगर उनके पिता बिहार के निवासी हैं तो निश्चित रूप से उन्हें जो आरक्षण का लाभ है उन्हें मिलेगा। पूरा कंक्लूजन इस न्यूज़ का पूरा यही है, और इसका जो ऑफिशियल जो लेटर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। इसके साथ ही बताते चले कि एक ब्लॉक में भी हमने बात किया था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि लेटर नहीं मिला है, लेटर जैसे ही मिलेगा इस पर जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये अभी कल ही का लेटर जारी हुआ है। और सारा चीज़ देखिए कुछ दिनों में मेरे ख्याल से अपडेट देखने को मिल जाएगा सारा जगह। यहाँ पे देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया निर्देश, राज्य सरकार ने बिहार की उन महिलाओं को भी आरक्षण देने का निर्णय किया है जिनकी शादी राज्य से बाहर हुई और वे ससुराल में ही रच बस गई है। शादी के बाद ऐसी महिलाओं का पता और निवास प्रमाण पत्र भी पति का मूल निवास स्थल हो गया, उसके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र नहीं रहा, लिहाजा वे राज्य सरकार की नौकरियों में मिलने वाले महिला आरक्षण के दायरे से बाहर मान ली गई। ये पहले था, लेकिन सरकार के ताज़ा फैसले ने इस विसंगति को दूर कर दिया है। अब नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए राज्य के बाहर ब्याही बिहारी महिलाओं के लिए पति नहीं पिता का ही निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा और उन्हें महिला को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। बिहार सरकार ने साफ किया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता है तो उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा, यानी उन्हें लाभ मिलेगा। अभी जो आरक्षण चल रहा है कहाँ कहाँ कितना कितना चल रहा है तो देखा जाए को महिला जो आरक्षण है 35% जो है आरक्षण बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को है। अगर 1 से 5 तक के शिक्षक बहाली में नियुक्ति में देखा जाए तो 50% आरक्षण है। वहीं आरक्षण दूसरे तमाम तरह के शिक्षक नियुक्ति में देखा जाए तो 35% है। इसके बाद देखा जाए तो 1 से 5 इसमें लिखा गया, मेरे ख्याल से 8 तक 50% है। और 33% देखा जाए तो आरक्षण मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए 33% है। 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनाव में। जो ये निवास प्रमाण पत्र जारी करेगा वो किसी भी जाति के निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, लिहाजा अभ्यर्थी का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत होगा और बिहार के मूल निवासी पिता का आवासीय पता ही विवाहित महिला के भी निवास प्रमाण पत्र का आधार बनेगा। और बाकी सब यही विशेष अपडेट है, और शिक्षा रोजगार के काबिल बनाने का इंतजाम वगैरह के बारे में दिया गया है। कोई इसका ऑफिशियल लेटर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जो भी अपडेट था यही है, और फिलहाल आगे भी जैसे ही ब्लॉक लेवल पे कार्य वगैरह स्टार्ट हो जाता है, हमने दिखाया उनको लेटर, लेकिन अभी कुछ अपडेट हमें नहीं मिला है कि अभी मतलब कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में जो लेटर दिया गया था तो बहुत सारी महिलाओं को बन भी नहीं रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, मिलना पड़ रहा है सारा चीज़। पहले ऑनलाइन होता था तो बन जाता था, अभी दिक्कत हो रहा है। जो लेटर अभ्यर्थियों ने दिए हैं वो फ़ायदा उन्हें मिला है। फिलहाल जो अपडेट था वो आपको बता दिया गया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पर। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।